कमी के लिए आपसे माफी चाहते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे कि आपके कमियों को दूर करें। वाजिद खान यहाँ मौजूद है, ये भी आपसे अपना गारंटी ये देंगे कि आप लोगों के काम करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हम इनसे जबरदस्ती कराएंगे, नहीं तो आपके बीच में लेकर आएंगे। मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ तो इंशाल्लाह यकीन रखो कि आपके सारे काम भी इस बार हम इनसे कराएंगे। शुक्रिया इन बातों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमानुल्लाह खान साहब, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके वादे को सलाम। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक समय आज आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी में उधर दोबारा हुआ किसी ने आपके बीच में, तो आप सब लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 2017 के अंदर आपने एक ही किया था, इस बार 2022 में किया था, मेरा साथ जाना और हमारा हमारा क्योंकि केजरीवाल सरकार 2015 में जब पहली बार चुनाव लड़ी थी, पहले 2013 में चुनाव लड़ी थी, 28 सीटें थी लेकिन वो पूरी सरकार नहीं थी, उसके बाद किसी के साथ मिलकर सरकार चलाई लेकिन काम जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, तो बीच में हम चाहते हैं कि मेरी सरकार गिरा दिया जनता से कहते हैं तो हम काम नहीं करने देंगे, क्योंकि केजरीवाल की सरकार केजरीवाल ही आए थे दिल्ली की जनता के कुछ वादे लेके कुछ काम करने के लिए, और 2015 में फिर चुनाव हुआ तो 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने मिली, एक बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश के अंदर, इतना बड़ा बहुमत किसी भी स्टेट का आपके किसी के पास नहीं आया। कम होगी ना हुई है और जब तक लड़ रहा हूँ समझ लेना ईमान हलाल का रिस्क मेरे पेट में जा रहा है, और जिस दिन कमजोर हो जाऊंगा जिस दिन लड़ना बंद कर दूंगा उस दिन समझ लेना कि मैं भी दूसरों की तरह माल अपने जेब में रखने लगा है ना, जो अल्लाह से डरता है सारी मखलूक उससे डरती है और जो अल्लाह से नहीं डरता सारी मखलूक उसको डराती है। मैं तो अल्लाह से रात को जब घर जाता हूँ सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ने का मामूल है, मेरा मामूल है सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल तौबा जरूर पढ़ता हूँ, और जब मैं वहां रहा ना कस्टडी में था 9 दिन तकलीफ ही ना हुई नमाज ही पढ़ता रहता, 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ी, सलातुल तस्बीह भी पढ़ी। कब था ये मुझे ऑफिस में लिटाते तो मैंने इनसे कहा ऑफिस में नहीं भैया मुझे तो कस्टडी में भेजो वहीं रहूंगा, लगे साहब वहां तो बड़ी तकलीफ है, कोई बात नहीं तकलीफ आजमाई अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के नबी को आप देखो, अल्लाह के नबी का खुद का कहना है जितनी तमाम नबियों को सताया गया उससे ज्यादा मुझे सताया गया, आजमाइश से ही तो निकलना है, और हक जब आप हक की बात करोगे ना तो आजमाइश तो आएंगी उलझने तो आएंगी, और अगर आप सबकी तरह बन जाओगे तो कोई उलझन नहीं कोई तकलीफ नहीं आप मालूम पूरा चलता है, तो आप यकीन करिए हम पर जिस तरह से आपके साथ रहे वैसी रहेंगे, एमसीडी में हमारी सरकार आ रही है एक भी तकलीफ आपको इंशाल्लाह होगी नहीं, जो काम के वादे किए वो काम भी पूरे होंगे। अभी जैसे आशकार भाई ने कहा कि एडमिशन एक स्कूल हमने भी खोला है भैया उसमें करा लेना, और अगर जहां जहां आप स्कूलों में एडमिशन दिया करेंगे सबसे पहले आपसे पूछ लिया करेंगे भैया अपने लोगों के एडमिशन दे दो, अब सबसे पहले तुम्हारी शिकायत कोई दूर करो, लेकिन ये शिकायत गलत कर रहे हैं, इनमें और हमारे अल्लाह में कोई फर्क है नहीं, इनमें ये आपको खुश कर रहे हैं नाराजगी दिखा के, ना ना कोई फर्क नहीं है इनमें और अमानतुल्लाह में कोई फर्क नहीं है, बात सुन लो आप, ये मेरे ऑफिस में जाते हैं जो ऑर्डर मैं करता हूँ वही ऑर्डर ये करते हैं, है कोई फर्क